नमस्कार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज मैं बहुत ही ऐतिहासिक और एक मेरी छोटी सी कहानी है, और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली रही हूँ क्योंकि श्री रामानंद सागर जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनके बेटे के डायरेक्शन में काम, मोती जी के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। तो कहानी शुरू करते हैं। सागर आर्ट्स के बारे में मैं क्या बात करूं, क्योंकि उनकी फिल्में इतनी सारी हिट्स उन्होंने दी है, और मैं ना बचपन में एक मैंने उनकी फिल्म देखी थी, हालांकि मैं मुझे उस टाइम पे उतना समझ में नहीं आया, बट मैंने उसकी जो पिक्चर की जो लोकेशंस और पिक्चर जो मेकिंग, वो फिल्म थी आँखें, और आँखें धर्मेंद्र वाली आँखें जिसमें हमारी माला सिन्हा जी एक्ट्रेस थी उसमें, वो मैंने फिल्म उनकी देखी और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो चाइना और इंडिया बॉर्डर के ऊपर फिल्म थी। और आज जो हो रहा है ना, आज जो चाइना वाले के साथ जो चाइना वाले कर रहे हैं हमारे साथ, और हम लोग जो डट के जवाब दे रहे हैं, हमारे वीर डट के उन्होंने जवाब दिया है। हाँ, कुछ हुआ है हमारे वीरों के साथ, वो नहीं रहे काफ़ी वीर, बट फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वो फिल्म मैंने देखा था उस टाइम पे, और मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी आँखें, और उसमें धर्म जी और हमारे बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस अपना माला सिन्हा जी उसमें थी। तो वो जब पिक्चर मैंने देखा ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक लोकेशंस और पिक्चर की डायरेक्शन और पिक्चर के जो गाने हैं, मिलती है जिंदगी मोहब्बत कभी कभी ऐसे गाना, बहुत मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मुझे मैं स्टेज परफॉर्म कर रही थी, और कुछ बहुत अच्छे पर्सनालिटीज़ आते थे जब मैं स्टेज परफॉर्म करती थी, तो वहाँ पे आए हुए थे सागर आर्ट्स के कुछ लोग आए हुए थे। तो मुझे अगले दिन फ़ोन आ गया लैंडलाइन में कि आप आके खाड़ में आइए, मिलिए, आप अगर इंटरेस्टेड है, एक सीरियल बन रहा है दादा दादी की कहानी, और उसमें अशोक कुमार जी, दादा मुनि जी उसमें कहानी सुना रहे थे बच्चों को, वो एक्ट कर रहे थे, और पुरानी एक्ट्रेस थी, बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी लीला चिटनिस जी, वो बच्चों को कहानी सुना रहे। तो कहानी में जो सुना रहे हैं वो एपिस्योड बन के कहानी बनता था, तो उस कहानी में बहुत अच्छा एक कैरेक्टर निकला था, और उसमें मैं सूट बैठ रही, बिल्कुल सूट बैठ रही थी, और मेरी उसमें मैं आपको आगे बोलूँगी वो बात कि मुझे मैं खार में गई उनका उनके बंगलों में, और रामानंद अंकल इतने हम्बल पर्सन है, इतने स्वीट पर्सन है, मुझे मैं जब मैंने एंट्री किया, मुझे जिन्होंने बुलाया था और उन्होंने मिलाया रामानंद अंकल जी के साथ कि ये शिवाला है और ये स्टेज परफॉर्मर है और एक दो फिल्में भी कर चुकी हैं, तो वो जो कैरेक्टर हमने सोचा था, और बहुत बड़े फोटोग्राफर ने मेरा फोटो सेशन किया था उस टाइम पे, सो वो फोटोग्राफ उन्होंने देखा था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था कि ये कैरेक्टर सूट कर रही है इस पर, बिल्कुल देहाती कैरेक्टर था। सो मैं मुझे कहा बैठिए, क्या लेंगे आप चाय। सो देखिए, इतने बड़े आदमी हैं और इतने प्यार से उन्होंने मुझे बिठाया और बोला आप शूटिंग देखिए, हमारा रामायण की शूटिंग हो रही है, और दीपिका जी से मिलाया, अरुण गोविल जी से मिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सबसे अच्छा लगा उनका व्यवहार, इतना प्यार से उन्होंने बात की, ऐसे लगा कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ। सो उनके नज़र में वो यही देख रहे थे मुझे, तो मुझे कहा कि एक कैरेक्टर है, और पंजाबी बहुत पुराने बहुत ही फेमस एक्टर थे, तो उनके साथ आपको काम करना है, मेहर मित्तल जी के साथ। तो मैंने कहा मैं मेहर मित्तल जी को इतना पर्सनली जानती तो नहीं थी, तो कहा थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, आप मिल लीजिएगा, उनके साथ आपका कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आए मेहर जी, और वो भी बहुत अच्छे सज्जन थे, मुझे मिले, हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते, सत श्री अकाल किया, तो मैंने भी उनके ऐसे नमस्ते किया, बोला ये शिवाला जी है और वो जो कैरेक्टर है आपके साथ, ये शिवाला करने वाली, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपके बारे में बहुत सुना है। तो अगले दिन हम लोग चाइना क्रिक गए, कुछ दो तीन दिन के बाद वो शूट था, तो दो तीन दिन के बाद मुझे उन्होंने साइन किया, बाकायदा साइन किया, उन्होंने पैसे दिए मुझे और कहा आपका दो एपिसोड बनेगा, दो एपिसोड के हिसाब से आपको चाइना क्रिक में शूट करना है, आप शूट करके एक ही दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी शूट। तो चाइना क्रिक गए हम लोग,
और जाके वो मैंने एपिसोड किया दादा दादी की कहानी में, वो एपिसोड शायद होगा अगर वो यूट्यूब पे है तो। सो आप देख सकते हैं, महेंद्र मित्तल जी के साथ मैंने काम किया है और मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा यूनिट, इतना प्यार से इतने अच्छे से उन्होंने काम मुझे मुझसे काम लिया और बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड मुझे हर जगह। उन्होंने कभी महसूस नहीं कराया कि आप ऐसे आर्टिस्ट हो तो आपके साथ बड़े आर्टिस्ट काम करें। महर जी तो इतने अच्छे इंसान थे और उन्होंने इतने अच्छे से मुझे कुछ समझ में, उन्होंने यही नहीं किया कि भाई आप नए काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा एट इजी कर दिया, बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और सागर आर्ट्स के साथ मैंने जब काम किया, वाकई ये एक यादगार मोमेंट है। एंड मैं बहुत लकी हूँ दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में आप काम कर रहे हो और इतने बड़े नाम के साथ आपका नाम जुड़ा, और मोती जी, मोती सागर जी ने डायरेक्शन दिया था, वो भी बड़े खूबसूरत, मतलब नेचर उनका इतना प्यारा है और हंस हंस के सब काम करते हैं, मतलब हम ऐसा स्ट्रेस होके परेशान होके ऐसे काम नहीं करते थे। तो वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला। वो एपिसोड भी आया था DD1 पे, फिर DD2 पे भी आया था, रिलीज हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये कहानी मैं शेयर करूं। और आप लोगों को कैसा लगा मेरी कहानी सुन के, और अगली बार अब मैं क्या कहानी लेके आ रही हूँ, सो सरप्राइज है। सो तब तक देखते रहिए शिवाला को, अपना ब्लेसिंग्स देते रहिए, बरसाते रहिए आप सबका प्यार जैसे आप बरसा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इंस्टा में, FB में, तो इंस्टा में मुझे फॉलो कीजिए, हे आई एम शिवाला। एंड FB में बॉम्बे गर्ल शिवाला के नाम से मैं हूँ, और मुझे बस इतनी खुशी हो रही है आप लोगों से बात करते हुए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।